हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे। देखिए, मैं ये हेयर कट कर रही हूँ। ये मैं 3 स्टेप कर रही हूँ। पहले तो अच्छे से कॉम कर लेते हैं, क्योंकि अंदर कोई बाल फंसा हुआ ना रह जाए, गांठ ना रहे, इसलिए अच्छे से कंघी करना है। प्रॉपर कंघी करके फिर पार्टीशन बनाना है। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले तो देखिए, मैं आईब्रो के पास से बिल्कुल ले रही हूँ। दोनों साइड से आईब्रो के पास से ले लेंगे। पहले मैंने 3 स्टेप डाला था, तो थोड़ा तरीका उसका अलग था पार्टीशन बनाने का। इसका मैं अलग से डाल रही हूँ। तो ये थ्रेडिंग के पास से बिल्कुल लेंगे और इसको अच्छे से लाइनिंग बना के और आगे फोल्ड करके क्लिप लगा देंगे। वो बनाना क्लचर जो आता है, वो क्लिप लगा देंगे अच्छे से। और फिर हम लोग लेंगे कान के पास से, ईयर टू ईयर। तो कान के पास से दोनों साइड से लेके बीच में उसको भी बाल को फोल्ड करके फिर उसको भी कॉम वो क्लचर फंसा देंगे। उसके बाद बच जाएगा नीचे का पार्ट। तो 3 भाग में हो गया। फिर नीचे का पार्ट कस्टमर से तो आप पूछ ले पहले, चाहे आप अपने अगर घर में कर रहे हैं तो कितना मतलब कम करना है छोटा, तो आप थोड़ा सा ही काटे पहले। और जो बाल हम नीचे का लेंगे, उससे 4 अंगुल ऊपर लेंगे। फिर दूसरा पार्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगी, आपको पता चलेगा। तो पहले तो थोड़ा सा कम ही लेके देखें, नहीं तो क्या होता है ना कि इसमें ऊपर का पार्ट ज़्यादा छोटा हो जाता है। अब 4 4 अंगुल करेंगे तो 8 अंगुल तो हो गया, 8 10 अंगुल हो जाता है। तो ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा छोटा करना पड़ता है, तभी दिखेगा आपको 3 स्टेप। तो इसलिए आप लोग कस्टमर से, चाहे अपने घर के अगर सदस्य का कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे करके उनको दिखा ले कि आपको कितना छोटा चाहिए। थोड़ा सा स्प्रे मैं कर दी, क्योंकि इनका ज़्यादा सिल्की बाल था तो बार बार उड़ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर दिया। तो आप देखिए, अभी पूरे बराबर कॉम करके और थोड़ा सा मैं इनका नीचे से कम करी हूँ। वो बोल रही थी कि थोड़ा छोटा ही कर देना भाभी, फिर भी मैंने थोड़ा रखा, इसलिए कि बाद में लोगों को फिर छोटा लगता है तो बोलती है क्या रहे आपने तो ज़्यादा कर दिया। तो बस मैं 2 अंगुल इनका छोटा करा था नीचे से। और फिर अब ये पार्ट खोलेंगे बीच वाला, और बीच वाला खोल के उसको 4 अंगुल अपने हाथ से नाप लो। इस पर भी थोड़ा कॉम कर दो कि उड़ेगा नहीं बाल। वो वाटर स्प्रे कर दो, फिर बाल नहीं उड़ेगा अच्छे से, वो प्रॉपर हो जाएगा। तो आप इससे नाप लो और नाप के और 4 अंगुल छोटा इसको काट लो। देखो मैं जैसे काट कर रही हूँ सीधा पकड़ के, फिर ऐसे आप कर लो, फिर इसको काट दो। फिर इसको 4 अंगुल नाप के फिर ऊपर वाला पार्ट को काटना है। ये जब काट लेंगे ना, तो 4 अंगुल छोटा उसको काटेंगे। ऐसे कर कर के फिर जब पूरा कटिंग हो जाएगा तीनों का, उसके बाद हम थोड़े थोड़े किए हैं, थोड़ा सा ऊपर उठा के 45 डिग्री पे और 90 डिग्री पे उसको शेप देना होता है। एक बार कटिंग करके छोड़ते नहीं हैं। देखो जैसे ये मैं उठाई ना, इसमें जो इधर उधर बाल दिखेगा ना, उसको थोड़ा सा कटिंग कर दो, तो उससे क्या प्रॉपर अच्छा शेप आ जाता है। नहीं तो ये इधर उधर दिखेगा तो कोई देखता है बाद में, तो फिर अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए आप लोग ये सब रीचेक करना ज़रूरी होता है। तो कभी भी बाल काट के ऐसे नहीं छोड़ना है, उसको चेक करना ज़रूरी है। एक बार, 2 बार 3 बार आप कंघी करके अच्छे से प्रॉपर चेक करो, फिर पता चलेगा आप लोगों को। कोई मेरे को बोला था कि पूरा फेस का थ्रेडिंग करो, तो अपर लिप में ही इतना दर्द होता है कि पूरा फेस का हिम्मत नहीं करता किसी को करवाने को। तो आजकल क्या बैक से ही फिर पूरा फेस का होता है, तो इसलिए थ्रेडिंग करना तो मुश्किल है, कोई करवाएगा नहीं, बहुत दर्द होता है उसमें। तो आप लोग, मैं बैक्स करती हूँ मैं पूरा फेस का, तो अगर आपको, आप लोगों को सीखना है तो आप बैक्स सीखो। बैक्स से आप पूरा फेस का निकाल सकते हो,
या तो बालों को छुपाने के लिए आप ब्लीच कर सकते हो, वोक्सी का हुआ या गोल्ड का आता है, चाहे आप फ्रूट का ले सकते हो। तो इसलिए पूरा थ्रेडिंग करना तो किसी की हिम्मत नहीं करती है, बहुत कम लोग कराते हैं, क्योंकि अपर लिप पे है फोरहेड, ही मुश्किल पड़ता है कराना। थ्रेडिंग से क्या दुखता है ज़्यादा, तो सबसे बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए आप लोग भी, किसी का करना हो तो आप लोग भी वैक्स से ही करें। कटोरी वैक्स आता है या तो फेस का वैक्स अलग आता है, उससे आप लोग कर सकते हैं। तो आप मेरा हेयर कट पूरा देखिए, बहुत अच्छा हेयर कटिंग हुआ था। ये तो मेरी स्टूडेंट ही थी, तो उसका ही करना था। इन लोग को सिखा भी रही हूँ, तो उन लोग को सीखना भी है, तो इसलिए मैं सारे कटिंग उन लोग को दिखाती हूँ। तो आप लोग भी पूरा कटिंग मेरा देखिए, और इस तरीके से आप लोग भी करिए, बहुत अच्छा हेयर कटिंग होता है। एक थ्री स्टेप अलग से उसका तरीका अलग होता है, गाइडलाइन लेके करना होता है, वो भी मैं आप लोगों को कभी बताऊंगी। ये तरीके से आप लोग तब तक सीख सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कैसा लगा आप लोगों को हेयर कटिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय।
हूँ।